नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन जब आपका होता है, वैसे ओव्यूलेशन पे मैंने कई वीडियो बनाए हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी छोटी छोटी जो क्वेरीज होती हैं मेरे व्यूवर्स की, जो मुझे कमेंट में लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है ओव्यूलेशन पे। लेकिन आज एक ये ओव्यूलेशन से रिलेटेड एक जरूरी बात थी जो कि शेयर करना बहुत जरूरी था। मुझे लग रहा है कि कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो ओव्यूलेशन हमारा होता है, उस समय से लेके कितने दिन तक एक महिला को प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं, मैं इसी विषय पे आज बात करने वाली हूँ आप सबको, और वो हर छोटी बात बताऊंगी जो ओव्यूलेशन और जल्दी कंसीव करने से रिलेटेड है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी टच करें, ताकि आपको इस चैनल के अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला को ओव्यूलेशन होता है, अब ओव्यूलेशन के कुछ लक्षण हैं, उसका वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले आपको वो देखना जरूरी होगा, तभी आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो जैसे ही हमको ओव्यूलेशन होता है, हमारी बॉडी साइन देती है, ओके। और अगर आपको साइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो डिस्चार्ज आना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, जो तरीके बताए हैं, बहुत आसान है, आप घर में कर सकते हैं, वो कीजिए। उसको करने के लिए आपको कोई डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप उसे घर में ठीक कर सकते हैं। तो जब ओव्यूलेशन होता है, उससे 12 से 24 घंटे के अंदर महिला के शरीर से एग रिलीज होता है, और बॉडी जो डिस्चार्ज रिलीज करती है, वो एक साइन होता है, एक इनविटेशन होता है, एक सिग्नेचर होता है कि अब आपका शरीर कंसीव करने के लिए तैयार है। तो आपको ये साइन समझना है। देखिए, अगर ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज मैंने बताया और जो समय बताया, उस समय नहीं हो रहा, लेकिन किसी और समय हो रहा है, तो भी आपको ओव्यूलेशन हो सकता है, भले वो समय ना हो, पीरियड के बीच के टाइम का समय ना हो, लेकिन बॉडी अगर वो साइन दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन उस समय हो रहा है, ओके। तो आप उस समय को समझिए, बॉडी के साइन को समझिए, उस डिस्चार्ज के तरीके को समझिए, जो जैसा डिस्चार्ज मैंने ओव्यूलेशन के लिए बताया उसको समझिए। वो डिस्चार्ज जब हो रहा है या ओव्यूलेशन के लक्षण जब शरीर में आ रहे हैं, तब आपको ओव्यूलेशन होगा। अब वो कब हो रहा है, ये आपको खुद को अपने शरीर में नोटिस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन होने से 12 से 24 घंटे के अंदर एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन का साइन दिखने से लगा के, तो उससे लेके 2 दिन तक एग हमारा फर्टिलाइज होने के लिए रेडी रहता है, और स्पर्म की लाइफ होती है एक महिला के शरीर में 4 से 5 दिन, हम 3 दिन लेके चलते हैं। तो ओव्यूलेशन होने के डे से लेके अगले 2 दिन तक, 3 दिन तक मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि महिला कंसीव कर ले, तो ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन इसके लिए आपको ओव्यूलेशन के साइन को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। कई लोगों को पीरियड से जस्ट पहले भी ओव्यूलेशन हो जाता है, कई लोगों को पीरियड के तुरंत बाद भी ओव्यूलेशन हो जाता है। तो इस डायलेमा में ना रहें आप कि नहीं, ओव्यूलेशन तो मिड में होगा साइकिल के, नहीं हुआ, ये शरीर है, ये शरीर जैसा एक्ट कर रहा है उसको आपको समझना है, क्योंकि आपको जल्दी कंसीव करना है। तो आप अपनी बॉडी के साइन सिम्टम्स को समझिए, आपकी बेहतरी के लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, उन वीडियोस को देखें, पूरी तरह से देखें, समझें। नहीं समझ में आ रहा एक बार तो बार बार देखिए, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओव्यूलेशन के साइन सिम्टम कंसीव करने के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो ये साइन और सिम्टम आपको जब महसूस हो रहे हैं, तब आप कॉन्टेक्ट में रहें, ताकि आप कंसीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो, वो भी कमेंट करें। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।